राजनीति में कदम रखने के बाद एक बार फिर से सनी देओल का नाम काफी ज्यादा चर्चाओं में आ गया है और इस समय सनी देओल अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में भी छाए हैं। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का दामन थामकर उन्होंने गुरदासपुर के लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उन्होंने जीत भी हासिल की। हालांकि चुनाव में आ जाने के बाद उन्हें काफी आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी और वो कई सालों तक इंडस्ट्री से दूर रहे। लेकिन दोस्तों अब लगता है कि रही कसर अब वो पूरी करने वाले हैं और 2022 में उनकी कई सारी ऐसी फिल्में रिलीज होने वाली है जिन फिल्मों को देखने के लिए फैंस अभी से ही नजरें गड़ाए बैठे हैं। और उन्हीं में से एक फिल्म है गदर एक प्रेम कथा का अगला भाग यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे करीब 20 सालों के बाद गदर एक प्रेम कथा की कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा है और फिलहाल इस फिल्म की शूटिंग जोरों शोरों से की जा रही है। और जब से इस फिल्म की शूटिंग की खबर सामने आई है तब से फैंस की एक्साइटमेंट भी सातवें आसमान पर पहुंच गई है। अभी हाल ही में फिल्म की कहानी से भी पर्दा उठ गया है और इस बार की कहानी भी काफी ज्यादा लाजवाब होने वाली है। इंडिया पाकिस्तान की भिड़ंत एक बार फिर से हमें गदर फिल्म में देखने को मिलने वाली है। जाहिर सी बात है सनी देओल के चाहने वाले और गदर फिल्म के चाहने वाले इस फिल्म का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसी कड़ी में अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अब एक तरफ जहां गदर फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाए जाने की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, वहीं दूसरी ओर अफवाहों का बाजार भी काफी ज्यादा गर्म है। इसी कड़ी में अब गदर फिल्म से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने अब तहलका मचा दिया है। लगभग 20 सालों के बाद फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में कई सारे कलाकार अब इस फिल्म का हिस्सा नहीं होने वाले हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गदर फिल्म के मेन विलन यानी अमरेश पुरी साहब हमारे बीच में नहीं है और उनकी जगह कोई और खलनायक ले सकता है। अब बाकी रह जाते हैं तारा सिंह यानी सनी देओल, अमीषा पटेल यानी सकीना और उनका बेटा जीता यानी उत्कर्ष शर्मा। लेकिन इसी बीच में अब फिल्म में एक और बड़ी अभिनेत्री नजर आ सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना, अफवाहों की माने तो गदर 2 में एक और अभिनेत्री की एंट्री हो सकती है। दरअसल बताया जा रहा है कि उत्कर्ष शर्मा अब बड़े हो चुके हैं और वो इस फिल्म में एक आर्मी अफसर का किरदार निभाने वाले हैं। जाहिर सी बात है सकीना के अलावा इस फिल्म में एक और अभिनेत्री हो सकती है और ये अभिनेत्री उत्कर्ष शर्मा के अपोजिट नजर आ सकती है। लेकिन आखिरकार उत्कर्ष शर्मा के अपोजिट किस अभिनेत्री को इस फिल्म में कास्ट किया जा सकता है, तो यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि उत्कर्ष शर्मा ने साल 2018 में एक फिल्म की थी। फिल्म का नाम था जीनियस, जिस फिल्म के कर्ता धर्ता उनके पिता यानी अनिल शर्मा ही थे। अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई, लेकिन जीनियस की वजह से उत्कर्ष शर्मा काफी ज्यादा लाइमलाइट में आ गए थे और इस फिल्म की अभिनेत्री इशिता चौहान भी काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गई थी। और बताया जा रहा है कि गदर 2 में एक बार फिर से जीनियस वाली जोड़ी हमें देखने को मिल सकती है, यानी उत्कर्ष शर्मा के अपोजिट एक बार फिर से इशिता चौहान नजर आ सकती है। हालांकि मेकर्स इस बात को लेकर कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं और उत्कर्ष शर्मा के अपोजिट किसी और अभिनेत्री को भी कास्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस समय बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई सारी ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिन अभिनेत्रियों की खुमारी इन दोनों काफी ज्यादा लाइमलाइट में बनी है। क्योंकि उत्कर्ष शर्मा के अपोजिट किसी भी अभिनेत्री को अगर कास्ट किया जाएगा तो जाहिर सी बात है मेकर्स इस बात का बखूबी तरीके से ध्यान रखेंगे कि इसका असर फिल्म की लीड एक्ट्रेस अमीषा पटेल पर ना पड़े, क्योंकि वो इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आने वाली है। लेकिन अफवाहों की माने तो गदर 2 में एक बार फिर से उत्कर्ष शर्मा के अपोजिट इशिता चौहान ही नजर आ सकती है, क्योंकि जीनियस फिल्म भले ही जैसी मर्जी रहे हो लेकिन इन दोनों की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया और हो सकता है कि गदर 2 में एक बार फिर से इशिता चौहान एक बड़ी फिल्म का हिस्सा बनती हुई नजर आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो गदर 2 के चाहने वालों के लिए एक बड़ी खबर साबित हो सकती है, क्योंकि फिल्म में दो दो अभिनेत्रियां अब नजर आ सकती हैं। वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से सनी देओल की अगर फिल्मों की तरफ नजर डालें तो सिर्फ गदर 2 नहीं बल्कि आने वाले समय में सनी देओल कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनते हुए नजर आ सकते हैं। सबसे पहले हम आर बाल्की की फिल्म चुप का जिक्र करना चाहेंगे। ये क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिस फिल्म की शूटिंग सनी देओल लगभग पूरा कर चुके हैं। इसके बाद वो साउथ की एक बड़ी फिल्म जिस फिल्म का नाम है जोसेफ, इस फिल्म के हिंदी रीमेक में भी सनी देओल नजर आएंगे। यानी कुल मिलाकर 2022 में सनी देओल की तीन बड़ी फिल्में रिलीज हो सकती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा है गदर 2 का, क्योंकि एक बार फिर से तारा सिंह को गरजते हुए देखना बड़े पर्दे पर वाकई दिलचस्प साबित होने वाला है। तो दोस्तों आपकी क्या एक्साइटमेंट है गदर 2 को देखने के लिए, कमेंट कर अपना सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें।